दोस्तों, अगर आपका भी इंस्टाग्राम अकाउंट कुछ इस तरीके से डिसेबल्ड हो गया हो वॉयलेशन की वजह से, या फिर अपील का एरर देखने को मिल रहा हो, लर्न मोर का इशू देखने को मिल रहा हो, तो ऐसे में आप किस तरीके से अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को रिकवर कर सकते हो, क्या ऑफिशियल तरीका है, प्रोसेस है जिससे कि आप अपने अकाउंट को रीस्टोर कर सकते हो, ये सब मैं आपको इस वीडियो में समझाने जा रहा हूँ। लेकिन अगर आपको मेरी हेल्प चाहिए तो आप कॉल बी फॉर ऐप के थ्रू मुझसे कॉन्टैक्ट है कर सकते हो। लेकिन देखो, यहाँ पर अगर आपका अकाउंट डिसेबल या फिर डिलीट होता है तो आपको बहुत ही जल्द गूगल क्रोम में जाना है और यहाँ पे सर्च कर लेना डिसेबल्ड इंस्टाग्राम अकाउंट है। काफ़ी सारे लिंक्स मिलेंगे, इनमें फर्स्ट लिंक जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कुछ इस तरीके से आपको लिंक्स देखने को मिलेंगे। उसके बाद ये दूसरा लिंक जो है जो कि फेसबुक का लोगो आपको देखने को मिलेगा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये सारे फॉर्म्स को आपने फिलअप किस तरीके से करना है, क्या सही तरीका है फॉर्म को फिलअप करने का, ये जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखो, फर्स्ट लिंक जो है इसे फिलअप करने के लिए आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा और आपने सिर्फ सिंपली नीचे आना है। ठीक है, यहाँ पर देखो, जैसे ही आप नीचे आओगे तो नीचे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, विजिट दिस पेज। ठीक है, तो आपने कुछ भी नहीं करना, सिंपली आपने इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर ये कंटिन्यू के लिए बोलेगा, ऐप में अगर आपने जाना हो तो ऐप में जा सकते हो, या फिर आप यहाँ पर आपने इस फॉर्म को फिलअप करना हो ब्राउज़र में तो आप ब्राउज़र में भी फिलअप कर सकते हो। अगर आप ब्राउज़र में फिलअप करना चाहो तो आपने कैंसिल करना है, अगर आपने ऐप में फिलअप करना है तो ओपन ऐप करना। तो यहाँ पर देखो, मैं ओपन ऐप करता हूँ और उसके बाद आपको अपना इंस्टाग्राम ऐप जो है यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप सेलेक्ट करोगे, कुछ इस तरीके से आपके सामने कुछ ऑप्शंस और देखने को मिलेंगे। इनमें से आपको क्या ऑप्शन सेलेक्ट करना है भाई, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखो, काफ़ी सारे ऑप्शंस है, बट यहाँ पर जो आपको सेलेक्ट करना है, माई अकाउंट वॉज डिसेबल्ड। अगर आपका अकाउंट डिलीट भी होता है तो भी आपको ये वाला ऑप्शन ही सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट करना। उसके बाद यहाँ पर तीन और ऑप्शंस आपको देखने को मिलेगा, जैसा कि यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है माई अकाउंट डजंट फॉलो इंस्टाग्राम कम्युनिटी गाइडलाइंस, दूसरा है हैकड हो गया है, तीसरा है आई डिसेबल्ड माई सेल्फ। तो फर्स्ट वाले पर टिक करना, उसके बाद आपने नेक्स्ट कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट करोगे, उसके बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। अब काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं ना, यहाँ से बैक हो जाते हैं, बट आपको यहाँ से बैक नहीं होना, यहाँ पर नीचे आना है। नीचे एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, वॉज दिस यूजफुल, तो आपने करना है भाई नो। ठीक है, यहाँ पर आपने नो वाले सेक्शन पे क्लिक कर देना। जैसे आप नो पे क्लिक करोगे, कुछ इस तरीके से और भी दो तीन ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे, इनमें से आपने सेकंड वाला ऑप्शन ले लेना है। इसके बाद यहाँ पर आप जैसे सेकंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे, या फिर हो सकता है कि आप फर्स्ट वाला भी ऑप्शन ले सकते हो, बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा फर्स्ट या सेकेंड में से कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना, दोनों सेम ही है। ठीक है, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, उसके बाद ये बॉक्स ओपन होएगा। यहाँ पर आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करना है कि भाई आपके साथ क्या प्रॉब्लम आ रही है, आपका अकाउंट कब से डिसेबल हुआ है, क्यों डिसेबल हो गया, किस कारण से डिसेबल हुआ है, आपका यूज़र नेम क्या है, आपने अकाउंट कब क्रिएट किया था, आपका उसके साथ जो भी प्रूफ वगैरह है वो आपने यहाँ पर देना है, फुल नेम वगैरह सब कुछ दे देना है। इसी तरीके से आपने फर्स्ट फॉर्म को फिलअप कर देना। इस फॉर्म को फिलअप करने के बाद आपको सेकेंड फॉर्म फिलअप करना है, ये वाला इंस्टाग्राम हेल्प सेंटर, बट आपको फेसबुक का लोगो देखने को मिलेगा, इस चीज का ध्यान रखना। इसके बाद आप इस पर क्लिक करोगे, कुछ इस तरीके से यह फॉर्म ओपन हो जाएगा। ये वाला फॉर्म बहुत ही सिंपल है फिलअप करना, बट ये उतना ही डेंजरस भी है। अगर एक भी चीज़ यहाँ पे गलत दिया तो आपका अकाउंट परमानेंटली डिसेबल्ड कर दिया जाएगा। ये हिंदी में आएगा तो आप इसे ट्रांसलेट कर सकते हो इंग्लिश में, अगर इंग्लिश समझ में ना आए तो आप इसे हिंदी में भी ट्रांसलेट कर सकते हो। जैसा कि यहाँ पे देखो, पूरा नाम पूछ रहा है, आपका ईमेल एड्रेस पूछ रहा है, आपका यूज़र नेम पूछ रहा है, और उसके बाद मोबाइल नंबर, और फिर सेम चीज़ नीचे आपने फिलअप कर देना, जो भी आपने वहाँ फर्स्ट में लिखा था सेम चीज़ आपने यहाँ पे फिलअप करना है। ठीक है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको करेक्ट देनी है। एक भी गलत इन्फॉर्मेशन हुई, मैं आपको दोबारा से बता रहा हूँ, एक भी गलत इन्फॉर्मेशन हुई तो भाई आपका अकाउंट परमानेंटली डिसेबल्ड और डिलीट कर दिया जाएगा इंस्टाग्राम की तरफ से, और उसके बाद आप कभी भी अपने अकाउंट को रिकवर नहीं कर पाओगे। अब यहाँ पर इंग्लिश में देख सकते हो, फुल नेम, ईमेल एड्रेस, योर यूज़र नेम, और आपने इस बॉक्स में फिलअप करना है मोबाइल नंबर के साथ में। तो ये दो फॉर्म है दोस्तों, इन दोनों फॉर्म को फिलअप करो, 100% आपका अकाउंट रिकवर हो जाएगा, अगर वो बाय मिस्टेकली इंस्टाग्राम की टीम की तरफ से डिसेबल या फिर डिलीट किया गया होगा, और या फिर हो सकता है कि आपने फर्स्ट टाइम कोई टर्म वॉयलेशन किया है, तब भी आपका अकाउंट बेहद आसानी से रिकवर हो जाएगा। लेकिन इसके बाद भी आपका अकाउंट रिकवर ना हो तो आप मुझसे कॉल मी फॉर ऐप के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हो, और आपके अकाउंट को रिकवरी का जो गारंटी है वो हमारी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना।